हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एसएसटी और जीके सेक्शन, इसमें दोनों इंक्लूड किया गया है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ना केवल आप टैट दे रहे हो बल्कि आप कोई और भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप उसको भी इसके साथ जो है मॉक टेस्ट के तौर पर सीरीज लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक पेन ले लीजिए, एक कॉपी लीजिए, अपने जो आपके आंसर है उसमें आप जब गेस करेंगे साथ साथ आपने लिख लेने, ताकि साथ साथ आप जो है सही गलत भी देख सके। आज की इस वीडियो में आपको लास्ट में नहीं बल्कि क्वेश्चन के साथ साथ ही आंसर बताने वाला हूं कि इसका क्वेश्चन आपका आंसर राइट क्या होगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न अगर आप देखिए, तो पहला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, शासकीय प्रत्याभूति समिति, या फिर लोकलेखा समिति, विशेषाधिकार समिति, या फिर आपकी आकलन समिति। तो ये चार तरह की समितियां इसमें दिखाई गई है। बाकी समितियों के ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने देखी होगी तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। तो प्लेलिस्ट में मैक्सिमम वीडियोस बनी हुई है, अगर आप पहली बार भी है तो कोई बात नहीं, आप उन वीडियोस को जाकर देख लेना, नेक्स्ट टाइम के लिए आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आप बता दीजिए, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपका, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। अपने आप भी लिख लीजिए और कमेंट भी साथ साथ करते रहिए कि आपका इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, जिन्होंने कमेंट करने थे कमेंट मैक्सिमम ने कर लिए, कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आप जो है बेशक गलत करें लेकिन आप प्रयास करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको जो एग्जाम में भी आपको जो है सर्कल करना ही था, तो आप किस पे लगाते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो ऑप्शन अगर आप डी देखें, आकलन समिति, तो ये बिल्कुल इसमें आपका सही हो जाएगा। तो आकलन समिति आपकी भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। अब जो है साथ साथ आप फॉर्म भर के क्वेश्चन भी आप लिख लेंगे। अब आपका जो प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न आपके लिए है होमवर्क के लिए इस क्वेश्चन से, कि जो आपकी समितियां हैं जैसे लोकलेखा समिति है, इसमें कितने सदस्य आपके, कितने सदस्य आपके किस जो है सदन से है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी तरह विशेषाधिकार समिति में कितने हैं, और इसलिए आकलन समिति में टोटल कितने सदस्य हैं और कितने कहाँ से आते हैं, क्यों इसको जो सबसे बड़ी ही समिति कहा गया है, हालांकि जितने सदस्य इसके सदस्यों की संख्या किसी और समिति की भी जो है उतनी है, वो आपको मैं नहीं बता रहा हूँ ताकि जो आप पढ़े, नहीं तो आपने जो इसका जो है पढ़ना नहीं है, तो इसी करके मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो अब देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर एक का जो है किसने डी किया था, तो आप सभी का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अगर आप टू देखें, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो या किसे अग्रेषित करता है, तो यह आपने बताना है, लोकसभा को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर टू का ए बी सी डी क्या होगा इसमें राइट आंसर, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर मेंशन करते रहिए साथ साथ कि आप दो का आंसर दे रहे, एक का दे रहे, कितने का दे रहे, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी आज की इस जो इस मॉक टेस्ट में हम जो करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, हो सकता है कि आने वाले इस एग्जाम में आपके डायरेक्ट यहीं से 6 से 7 क्वेश्चन बन जाए, इतना मैं आपको जो है दावा कर सकता हूं। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए जो कि पहले भी पूछे गए और आने की संभावना भी आपकी अधिक है, क्वेश्चन आपके वही है घुमा फिरा के पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि डायरेक्ट यहीं से कम 5 से 7-8 क्वेश्चन देखने को बन सकते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि इस वीडियो से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए कमेंट कीजिएगा साथ साथ जल्दी जल्दी, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे अग्रेषित करता है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, या फिर डी है। तो जिन्होंने कमेंट किया है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को, तो वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो उपराष्ट्रपति को देगा, तो ऑप्शन इसमें जो बी है ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये चीजें मैंने आपको पहले भी करवाई है और डिटेल में करवाई है, जिन्होंने रेगुलर वीडियोस देखी है उन सभी को पता होगा अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में जो है प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, या फिर किसी भी सदन में, या फिर आपके विधानमंडल में। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का ए बी सी डी कौन सा आपका सही होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो अगर मैं बात करूं अविश्वास प्रस्ताव, तो अविश्वास प्रस्ताव के जो है पास होने के बाद क्या होता है, जो आपकी जो गवर्नमेंट होती है रूलिंग गवर्नमेंट, वो आपकी जो है सरकार गिर जाती है। तो ऐसा कहाँ होगा, तो ऐसा होगा आपके लोकसभा में, क्योंकि राज्यसभा को तो आपके भंग नहीं किया जा सकता, तो जाहिर सी बात है ऐसे में जो है आपका अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पे होगा, जहां से जो लोगों के मत से जो है आपकी सरकार बनी है। अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद सरकार आपकी गिर जाती है। तो ऑप्शन जिन्होंने ए किया है वो बिल्कुल आपके सही है, तो ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लीजिए, स्वराज पार्टी की स्थापना, तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपके किसने की है जल्दी से कमेंट कीजिएगा और साथ में जो है ईयर भी बताइएगा, क्योंकि जो है मैंने आपको जो है वीडियोस में करवाया था कौन सी वो वीडियो थी, तो आप सभी को पता होगा अगर आपने देखी इंडियन नेशनल मोमेंट वाली, और साथ ही जो है तीन से चार वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ करवाई है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे थे उसमें भी ये चीज़ करवाई है कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना किसने की और कब की। तो जल्दी जल्दी बता दीजिए कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की, कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, तो 4 का आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर इसमें डी होगा। तो देखिए जल्दी से करेंगे, बाकी समय आपका ज़्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे, आपका एग्जाम का समय है तो कोशिश करेंगे इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते। तो अब मैं डायरेक्ट आपको बताने वाला हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जिन्होंने सी लगाया है, सी गेस किया है, अगर सी आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है, तो इसका जो है ऑप्शन आपके पास जो सी दिया है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये आपके लिए बिल्कुल इसमें सही होगा। इसके अलावा होमवर्क का क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है तो आपने बताना है स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से, अगला है आपके पास भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो जल्दी से बताइए भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो। तो आपने जल्दी से बताना कि इसमें से आपका राइट कौन सा होगा। इसके अलावा जो है राज्य के जितने भी अलग अलग लोक नृत्य है जो प्रसिद्ध है आपके, चाहे वो कुचिपुड़ी हो, चाहे आपका जो है इसमें आपका कथकली हो, इस तरह के जितने भी आपके नृत्य है वो आपको पता होने चाहिए कि वो किस राज्य के हैं। तो चलिए जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर आप 5 देखेंगे, इसका जो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो है सी, जिसने कमेंट किया है तो आप सभी का ये बिल्कुल इसमें सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, अगला है आपके पास पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए और किसी का गलत नहीं होगा ये, जल्दी कीजिएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, सुनी सुनाई बातों पर नहीं आना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि पृथ्वी का जो वास्तविक आकार है वो किस तरह का है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो जल्दी कीजिए और आई होप ये सभी को पता भी होगा, तो इसके हम राइट आंसर की बात जल्दी से कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी जिन जिन स्टूडेंट ने किया है वो बिल्कुल आपका सही है, बाकी जो इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान रखना, लॉजिकल आपके क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, एक से दूसरे देशांतर के मध्य कितने मिनट का जो अंतर होता है, यानी कि ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा गया है कि एक जो देशांतर है उसमें से दूसरे देशांतर तक सूर्य को जाने में कितना समय लगता है, यानी कितने मिनट में जो सूर्य एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जो है आपका जाता है या फिर चलता है, तो इसमें आपने समय बताना है। आई होप ये सभी को पता होगा जिसने मेरी वो वीडियो देखी है, आपकी लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर की जो मैंने वीडियो डाली थी, जिस स्टूडेंट ने भी वो देखी है, दो वीडियो डाली है, दो में से एक भी अगर किसी ने देखी है तो आपका बिल्कुल ये सही हो जाएगा, ये मुझे पता है। और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि देशांतर रेखाएं आपकी कौन सी है और आपकी अक्षांश रेखाएं आपकी कौन सी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अलग से प्लेलिस्ट में फोल्डर बना है, अगर अभी भी नहीं देखा है तो एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यहां से बनता है, बेशक वो घुमा फिरा के आप क्वेश्चन पूछे जाए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि देशांतर रेखाओं का विस्तार कितना है, अक्षांश का कितना है, कौन सी जो देशांतर रेखा सबसे लंबी है, कौन सी अक्षांश रेखा सबसे लंबी है, इसके अलावा जो है ध्रुव के सबसे निकट जो है कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन, एक देशांतर के बीच की दूरी कितनी है, समय कितना लगता है, इसके अलावा जो है आपका लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की अगर टोटल बात करें तो इनकी जो संख्या कितनी है, टोटल कितनी है, देशांतर कितनी, अक्षांश है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार उस वीडियो को देख लेना, आपने एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यहीं से बनता है, जब आपको पता है कि क्वेश्चन बन सकता है तो उसे मत छोड़िएगा, इस तरह की जो है गलतियां ना करें तो आपका जो है एग्जाम बिल्कुल आराम से आपका जो है क्रैक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 7 का, 7 का जिस स्टूडेंट ने जो है ऑप्शन सी यानी कि 4 मिनट जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्होंने जो है सी आपका जो है कमेंट किया है बिल्कुल आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक वन क्षेत्र से ढका है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए, और पहले भी आपकी ये टेट के एग्जाम में पूछा गया है तो जल्दी से कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, ए, बी, सी या फिर डी, तो आपको क्या लगता है जल्दी से कमेंट करेंगे आप, भारत में जो है कौन सा राज्य सबसे अधिक वन क्षेत्र से ढका हुआ है, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट नहीं करना है अपनी जो है नोटबुक लीजिए, नोटबुक पे आप अपना जो आइडिया लगा लीजिए कि आपको इसको क्या लगता है, आता है तो बेहतर है, आता है तो डायरेक्ट कमेंट कीजिए, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, नहीं आता तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा जो लॉजिक लगाने की कोशिश करें, बाकी के ऑप्शन को देख के भी रहा, एरिया भी आपने देखना है, इसके अलावा आपने देखना है कि एरिया के साथ जो है कौन सा ऐसा राज्य है जो कि आपका जो है हरा भरा है, यानी कि ज़्यादा जो है जलवायु के हिसाब से भी आपका ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है देखने पड़ेंगे जहाँ पर जलवायु का ज़्यादा
प्रभाव देखने को मिलता है मानसून का, तो इस तरह के लॉजिक आप लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जिसने ए लगाया है मध्य प्रदेश, ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अब मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको ऑलरेडी करवाया है जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व करवा रहा था। मैंने आपको लॉजिक बताया था कि किस तरह से इसको याद रखेंगे, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए जिसने वो वीडियो देखी है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया है। अगर आपको याद है तो बेहतर है, अगर आपको याद नहीं है तो आपको जो है उस वीडियो को देखने के बाद ये याद हो गया होगा, तो अब आपका ये गलत नहीं होगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ए बी सी या फिर डी, अब मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन इसमें कवर करने हैं और आपका जो स्कोर होना चाहिए, आपका स्कोर होना चाहिए 35 से ऊपर। अगर आपका स्कोर 35 से ऊपर है, अगर आपका स्कोर 45 से ऊपर है, तब तो आप जो है एक्सीलेंट में आ रहे हो, पर आप कोशिश कीजिएगा कि 35 से ऊपर आपको जाना ही है, तो आपकी जो संभावना ज्यादा बन जाती है। तो ऑप्शन इसमें डी देखिए तो ये बिल्कुल आपका जो इसमें सही होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का डी जिसने भी कमेंट किया बिल्कुल आप सही हो। आगे चलते हैं, आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित होता है, तो ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, इसमें से राइट आपका क्या होगा ये आप बता दीजिए। तो प्लीज अगर आपको लग रहा है कि LIC होगा तो LIC प्लीज आप रहने दीजिए, डी मत कीजिएगा। इसके अलावा आप बाकी बता दीजिए कि इसमें आप कौन सा लगा सकते हैं, आइडिया भी लगा लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भारत में बीमा क्षेत्र में एक सबसे बड़ा जो है नियमित इकाय कौन है जिसके अंदर आपका जो पूरा बीमा क्षेत्र आता है, ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास देख सकते हैं आप क्या क्या दिए गए हैं, तो आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। तो इसकी अगर हम राइट की बात की जाए तो ऑप्शन अगर ए देखिए तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है आपका IRDA, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है कि इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट आपका जो है कब से ही अस्तित्व में आया था, ये आप कमेंट करेंगे साथ साथ जल्दी से। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट आपके पास प्रथम आय समिति किस वर्ष गठित की गई, तो प्लीज आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। और एक बात और है कि आप जो है ये मत सोचिएगा कि आय समिति आपकी अलग है, इसके अलावा वित्त आयोग आपका अलग था, वित्त आयोग का गठन कब किया गया वो अलग है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके अलग अलग है, प्लीज इसको अलग रहने दें और कन्फ्यूज खुद भी ना हो और ना ही कमेंट करके जो है मुझे मजबूर करें रिप्लाई करने के लिए। आजकल जो है मैं ज़्यादा कमेंट आपके रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो कन्फ्यूजन ना रखें, जो मैं सोच समझ के ही आपके जो आंसर डालता हूँ अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर आंसर की और जो मेरी अपनी नॉलेज है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो इसमें आंसर प्रोवाइड करवाया जाता है, तो निस्संदेह आप जो उसको लगा सकते हैं। तो चलिए कमेंट कीजिएगा, प्रथम आय समिति किस वर्ष आपकी गठित की गई थी, 1949, 1948, 1950 या फिर इनमें से किसी में भी नन ऑफ डीज, तो आप जो है अपना आंसर दे सकते हैं, साथ साथ कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है मॉक टेस्ट, तो मैं कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले एक से दो और आपके लिए और बनाऊं, अलग अलग सब्जेक्ट के HPGK का एक और बनाऊंगा, और इसके अलावा जो साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो मुझे लगेगा वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा अगर आप जो इस वीडियो को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जैसे कि आपका जो है व्हाट्सएप पे स्टेटस आप लगा सकते हैं लिंक का, इसके अलावा फेसबुक पे आप जो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जो आपके ग्रुप बने हैं BEd वालों के, MEd वालों के, जो भी आपके जितने भी ग्रुप बने हैं एजुकेशनल ग्रुप है, उसमें आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपके लिए मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर इसके ऊपर बेहतर रिस्पॉन्स रहा तो आपको निस्संदेह एग्जाम से पहले अलग अलग सब्जेक्ट के 3 से 4 मॉक टेस्ट इस तरह के आपको मिल जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50-50 क्वेश्चन के। तो चलिए इसके राइट आंसर की बात करेंगे आपका, तो प्रथम आय समिति किस वर्ष गठित की गई थी, तो ये की गई थी आपके ऑप्शन अगर आप देखते हैं 11 का जिसने ऑप्शन ए लगाया है 1949, तो ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप, तो कौन सा जो RBI के प्रतीक चिन्ह के रूप में है, तो RBI का जो प्रतीक चिन्ह है इनमें से कौन है, क्या आपके सिंह है या बाघ है, हाथी है या फिर तेंदुआ है, तो आप इसमें जो कमेंट कर सकते हैं। तो RBI के जो प्रतीक चिन्ह आपने देखा होगा, जो RBI का जो लोगो है उस लोगो में आपने देखा होगा, तो उस लोगो में एक जो है जीव का चित्र है, जानवर का चित्र है, तो उसमें से वो जानवर कौन सा है आप उसके बाद देख सकते हैं। तो सिंह देख लीजिए आप, सिंह तो आप देख नहीं सकते, सिंह आपको लिखा हुआ दिख रहा है, बाघ को आप देख सकते हैं, हो सकता है आपको ये बिल्ली लगे पर बिल्ली नहीं है, बिल्ली का अगर अलग चित्र है वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। हाथी है, हाथी जो है बड़ा क्यूट सा लग रहा है, तो प्लीज आप ये मत सोचिए कि ज्यादा क्यूट है तो उसको ही लगा दीजिए, या फिर कई तेंदुए की ओर जाएंगे तो आप जो है अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम का जो है सही होना चाहिए और मैं चाह रहा हूं कि आप सभी के जो है सही आंसर ही आए। तो देखते हैं कि आपके जो है क्या क्या आंसर है, तो चलिए देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं, तो जिसने बी आपका जो आंसर किया है बाघ, वो बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे।
अगला प्रश्न की ओर चलेंगे जल्दी से, समय व्यर्थ नहीं करेंगे। वेवल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई, तो जल्दी जल्दी आप भी कमेंट कर सकते हैं। आपका जो है कम से कम समय में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके कवर कर दिए जाएंगे। तो वेवल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई, तो आप बताएंगे, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ये कब की गई ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा जो इसमें क्या हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये एक पार्ट है, इसको जो आपको जाकर वहाँ पे देख लेना। इंडियन नेशनल मूवमेंट की मैंने एक वीडियोस बनाई हैं, वो आपकी जो डायरेक्ट मैंने नोट्स से बनाई थी उसमें मैंने आपको ये डिटेल में बताया। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर बना होगा आपका इंडियन जीके का, पॉलिटिकल जीके का, उसमें जो आपके इस तरह के क्वेश्चन आपकी इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसके राइट आंसर की बात कर देंगे जल्दी जल्दी। तो वेवल योजना की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 का अगर हम सी देखें 1945, तो ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, किसे कुनिक की उपाधि दी गई है, या कुनिक के नाम से भी वो जाना जाता है, उस शासक को जो कुनिक भी कहा जाता है, तो ये सभी एक ही बात है। तो आप बता दीजिए कि आपको क्या क्या लगता है। ये आपका हिस्ट्री का ये सेक्शन आपका चल गया है अब, तो इसमें मिक्स है क्वेश्चन आपके, कुछ पॉलिटी के, कुछ हिस्ट्री के, कुछ आपके जियोग्राफी के भी है, इसके अलावा कुछ आपके जो है इसमें जो है क्या बात करें हम थोड़े से साइंस के, मुझे लगा इसमें मैंने डाले नहीं है, तो चलिए कोई नहीं, अगली मैं इंक्लूड कर दूंगा। देखते हैं अभी इसमें किस किस का है। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने 3 से 4 दिन पहले टाइप किए, तो मुझे अभी खुद भी नहीं पता। तो किसे कुनिक से भी जाना जाता है, तो कुनिक से किसे जाना जाता है बताइएगा, कनिष्क को, गौतम को, बिंबिसार को, अजातशत्रु को, इसमें से सही आपका क्या होगा। तो जिसने जो ऑप्शन डी पे जो है राइट कमेंट किया है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्थान किससे संबंधित है, तो हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्थान किससे संबंधित है आपने बताना है। ये साइकोलॉजी के जो मॉक टेस्ट है उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपका इंक्लूड किया था और मैंने बताया है, तो ये किससे संबंधित है जल्दी से कमेंट कीजिएगा। साइकोलॉजी की वीडियो आप सभी ने देखी है, तो ये सभी के लिए हेल्पफुल भी रही हो। आपको जो है उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन वन लाइनर में भी आपको पीडीएफ में शायद देखने को मिला है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा 15 का आपका क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। और साथ ही आपने ये भी कमेंट करना है कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट आपकी जो कब की गई थी, राष्ट्रीय संस्थान ये किससे संबंधित है। तो ये था आपके मानसिक अक्षम आपके जो बालक है, यानी कि आपके जो है ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। मानसिक असक्षम बालकों से संबंधित है आपका हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय संस्थान, इसकी स्थापना कब की गई थी कमेंट कीजिएगा। कई स्टूडेंट ने कमेंट पहले भी किया था और ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन भी है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, थोड़े से जल्दी चलेंगे हम, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपका कहाँ है, इसकी जो स्थापना कब की गई, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। इसकी जो है राइट आंसर की अगर हम बात करें, तो इसका राइट क्या होगा, लेकिन पहले आप कमेंट तो कीजिएगा कि 16 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर आपका डी होगा। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं आपको राइट आंसर साथ साथ जल्दी से बता दे रहा हूँ। तो ये संयुक्त राष्ट्र आपका यूएन ही है, तो इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा आपने जो है कन्फ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र के जो संघ का मुख्यालय है वो आपका कहाँ है, ऑप्शन अगर आप देखें 16 का ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जिन्होंने बी आपका कमेंट किया वो बिल्कुल आपकी सही है। अगला देखेंगे, अगला है आपके पास, जल्दी से आगे आ जाइए, अगला है आपके पास, किस नदी को भारत में दक्षिण की गंगा कहा जाता है, जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। ये कंफ्यूज आपका क्वेश्चन कर सकता है, और ये मैंने जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था वहां पे ये डाउट क्लियर कर दिया गया था कि कौन आपके जो है भारत में दक्षिण की गंगा और कौन दक्षिण भारत की गंगा है, तो ये दोनों अलग अलग है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, अभी आप कमेंट कीजिएगा कि किस नदी को जो भारत में दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो भारत में दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा ये दोनों अलग अलग है। अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत की गंगा, तो ये कहा जाता है कावेरी को, ऑप्शन डी होगा आपका जो है दक्षिण भारत की गंगा। लेकिन जो आपसे मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, भारत में दक्षिण की गंगा, तो भारत में दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो इसके राइट आंसर की हम बात करेंगे, तो ऑप्शन ए जिस इसने कमेंट किया है ये बिल्कुल आपके सही हो जाएगा, गोदावरी। तो गोदावरी को जो है भारत में दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो चलिए आगे देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 18, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है, जो जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए कि भारत की जिन देशों के पड़ोसी देशों के साथ जो आपकी सीमाएं लगती है उसको किस नाम से आपके जाना जाता है। तो आप सभी को ये पता भी होगा और मैंने ये पहले वीडियोज में करवाया भी है, तो स्पेशली अगर मैं बात करूँ जो टेट जो एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को ये आना चाहिए। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आज के जो है काफी समय बाद इस मॉक टेस्ट को देख रहे हैं, तब भी आपके लिए ये हेल्पफुल है, क्योंकि जीके के क्वेश्चन आपके इसी तरह के देखने को मिलते हैं आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो ये आपका जो है राइट आंसर इसमें 18 का अगर हम बात करें, तो ये किस किस के बीच है मैकमोहन रेखा, तो ये भारत और चीन के बीच है। तो ऑप्शन इसमें सी देखेंगे अगर आप, तो ये बिल्कुल आपका इसमें सही हो
जाएगा। जिस चीज ने सी किया है आप बिल्कुल सही और आप जो आगे की ओर जा रहे हो। ये इस तरह के जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है अगर आप ये सही कर लेते हो, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होते हो, तो आपके जो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं एग्जाम को क्रैक करने के। चलिए आगे चलेंगे। आगे है आपके पास, रेगुर मिट्टी किस फसल के बढ़ने के लिए अच्छी होती है, तो किस फसल की जो ग्रोथ के लिए आपकी रेगुर मिट्टी जो है अच्छी मानी जाती है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं चावल, गेहूं, गन्ना और कपास। रेगुर मिट्टी कहे या फिर अगर आप कहना चाहे तो काली मिट्टी इसको कह सकते हैं। काली मिट्टी किस फसल के बढ़ने के लिए अच्छी होती है, तो ये आप बता दीजिए। तो काली मिट्टी किस फसल के बढ़ने के लिए अच्छी मानी जाती है, उसकी जो ग्रोथ के लिए जो आपकी बेस्ट है, आपकी गुड है, तो आपके क्या होगा। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं चावल, गेहूं, गन्ना और आपके कपास। तो 19 का अगर आप ऑप्शन डी देखें, कपास, जी हाँ बिल्कुल कपास आपकी जो है रेगुर मिट्टी के जो है अच्छी मानी जाती है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कपास के लिए रेगुर मिट्टी आपकी सबसे अच्छी मानी जाती है, आपकी किसके लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। तो ऑप्शन जो डी जिस स्टूडेंट ने किया है वो बिल्कुल आपकी जो है सही है। आगे देखेंगे हम, आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी इंक्लूड किया है और मुझे उम्मीद है कि जिसने वो मॉक टेस्ट दिया था उसके बाद ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आप इसको जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं वो बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट होने का कारण ये है कि वो इम्पोर्टेंट इतने हैं आपके कि वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। तो चलिए देखेंगे, आप जल्दी से बता दीजिए कि कमेंट आप देख सकते हैं कि आपके जो क्या क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, आप अपना कमेंट कीजिएगा कि आप एक एटलीस्ट आप जो ट्राई कर सकते हैं। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। तो ऑप्शन अगर आप फर्स्ट देखें 20 का 1972, तो ये हाँ ये बिल्कुल आपका जो है सही हो जाएगा। अभी आप चाहे तो इस मॉक टेस्ट को लिख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ कहीं ना कहीं वो घुमा फिरा के आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे आप, सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई, तो किसने लगाई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, किसके सहयोग से लगाई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ये चीजें आपको मैं साथ साथ बता देता हूँ, पहले आप इस पर कमेंट कीजिएगा कि सती प्रथा पर जो पाबंदी कब लगाएगी, तो कब लगाएगी ये आपने कमेंट करना, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो जल्दी कीजिएगा, आपके पास जो है समय बिल्कुल कम है, 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जो है अपने रिप्लाई करने हैं, ना केवल यहाँ पे बल्कि एग्जाम में भी आपको जो है इतना ही समय है, नहीं तो आपका जो एग्जाम आपका छूट जाएगा। सती प्रथा पे पाबंदी किसने लगाई थी, विलियम बेंटिक के समय में लगी थी, राजा राममोहन राय के सहयोग से। ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, तब मैंने आपको बता दिया, ये आपको जो याद हो सकता है ना हो वहां से पढ़ने से, लेकिन अभी मैंने बोल दिया तो हो सकता है आपको ये डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन याद हो जाए। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, कब लगाई गई थी, तो ये आपकी लगाई गई थी 1829। ऑप्शन अगर आप ए देखते हैं तो बिल्कुल इसमें जो आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का ए बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान में शिक्षा का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। तो ये चीजें मैंने आपको पहले ही बताई है कि आपकी जो है शिक्षा पहले किस सूची के अंतर्गत थी। इसके अलावा जो है आपकी सूचियों की अगर मैं बात करूं तो तीन तरह की सूचियां हैं आपके पास, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इस सूची की ये बात की गई, पहले आपका जो शिक्षा किस सूची के अंतर्गत था ये आपसे पूछा गया है, और 8% आपका किससे आपका था, 8% किससे है, तो भारत के संविधान में शिक्षा का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि 8% की बात की गई कि अभी किस सूची के अंतर्गत आता है ये आपने बताना है, और पहले ये किस सूची के अंतर्गत आता था ये आप कमेंट करेंगे साथ साथ अभी कर लीजिए कि पहले किस में आता था, अब किस में आता है, और किस सूची के किस अमेंडमेंट के अंतर्गत जो इसको आपके जो इस सूची में आपका डाला गया जो 8% की है, जिसकी हम बात करेंगे 22 का। अगर हम राइट आंसर बात बता देते हैं समवर्ती सूची, तो 8% जो शिक्षा आपके समवर्ती सूची का विषय है, पहले ये किसका विषय था, तो पहले ही आपकी जो है राज्य सूची का विषय था, लेकिन जो है बाद में इसको जो है आपके किस में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में। तो इसके साथ कितने और विषय थे, टोटल ये 5 विषय थे, इंपॉर्टेंट है ये इफेक्ट आपने साथ साथ याद रखने हैं। इसके अलावा किस अमेंडमेंट में हुआ था ये आप जो है कमेंट करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो चलिए जिनका सी था वो बिल्कुल सही आपके, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। तो जल्दी से बताएंगे वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। इसमें जो क्वेश्चन में मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूं, और जो है शायद मुझे याद आ रहा है कि पीछे कुछ एक वीडियो थी उसमें मैंने ये गलती से गलत बता दिया था, हालांकि मैंने कमेंट सेक्शन में जो पिन कर दिया था बाद में, मुझे नहीं पता कि मैंने किस हिसाब से बताया था, हो सकता है मेरा उस समय ध्यान नहीं होगा।
तो उसके बाद जो पिन भी कर दिया था, एक दो स्टूडेंट ने बताया था उस कि सर इस तरह से ये गलत हो गया है, तो मैंने आपके लिए कमेंट कर दिया था पिन की, वो गलती से हो गया है, जो मिस्टेक थी आपकी, टाइपिकली मिस्टेक थी आपकी। तो चलिए अभी आप बता दीजिए वेदों की और लोटो यह नारा किसने दिया था, अपने ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, तो इसमें से कौन सा आपका बिल्कुल सही होगा ये आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे आप, तो इसमें जो सबसे जो आपका जो है अगर आप फर्स्ट में देखेंगे ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, तो वेदों की ओर जो नारा है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था आपके दयानंद सरस्वती द्वारा। इसके अलावा विवेकानंद जो आपके शिकागो गए थे सम्मेलन, ये आपको पता होना चाहिए कब गए थे। इस तरह के क्वेश्चन महात्मा गांधी से रिलेटेड आपके सभी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये महात्मा गांधी के आपके राजनीतिक गुरु थे। इस तरह की आपको छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें जिसने भी 23 का ए किया है वो बिल्कुल आपके सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, आगे है आपके पास क्वेश्चन की कब आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो पहली बार जो है इतनी बड़ी संख्या में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपके जो कब किया गया, तो टोटल कितने बैंक थे आपके 14 बैंक के, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण आपके इंदिरा गांधी के समय की ये बात है, उनकी जो है उन्हीं की जो परिणाम था कि जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो नेशनलाइज कर दिए गए थे। तो ये कब किए गए थे ये आपसे पूछा गया है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सन आपको दे दिया जाता है कि इस सन में जो है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो आपके किया गया था 14 बैंकों का। अब मैंने ये क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के पूछा है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, अब आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है आप जो देख सकते हैं कि ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसमें से राइट क्या होगा ये आप बता दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि 24 का राइट इसमें क्या होगा। तो ऑप्शन अगर आप फर्स्ट देख रहे हैं 1969, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, तो आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो जिसने भी एक किया है वो बिल्कुल आपके लिए सही है। आगे देखेंगे, आगे आपके पास लैप्स की जो नीति का प्रारंभ किसने किया, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, लिप्स लिखा गया है, ये लैप्स है, डॉकलैन ऑफ लैप्स। तो ये हड़प की जो नीति है, हड़प की नीति का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ऑप्शन है लिटन, रिपन, विलियम बैटिक और लॉर्ड डलहौजी। और एक बात याद रखिए, जो इसने भी ये नीति का प्रारंभ किया, ना केवल उस व्यक्ति को छोड़कर, इसके अलावा जितने भी इसमें नाम दिए गए वो सभी नाम आपके इतने इंपॉर्टेंट है कि इन सभी से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं, उस सोच समझ के मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लिटन के समय में क्या हुआ था इंपॉर्टेंट, रिपन के समय में क्या हुआ था इंपॉर्टेंट, विलियम बेंटी के समय में क्या हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या हुआ था। तो सबसे पहले इसी की ही बात कर लेते हैं, मैं तो बाकी इसमें डिटेल में नहीं बताऊंगा, डिटेल वाली अलग से वीडियो में आपके लिए बताता रहता हूँ, मैंने बताया है, तो इससे ये सीरीज थोड़ी लंबी हो जाएगी। अभी डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ कि 25 का राइट आपका क्या होगा, लेफ्ट की जो नीति है इसका जो प्रारंभ किसने किया था। अगर आप जो 25 का ऑप्शन नंबर देखेंगे डी, लॉर्ड डलहौजी, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, जिसने भी डी किया था वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला है आपके पास भारत में कपास मिलों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं ऑप्शन ए बी सी और डी। अगर आप इस पे नेट पे देखेंगे तो इसमें जो है काफी कंफ्यूजन देखने को मिलता है, तो मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर जो है आंसर की, ऑफिशियल जो आंसर की रही थी उस एग्जाम की, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगा। और साथ ही आपको पता होगा कि भारत का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। इसके पीछे लॉजिक ये इसी ये मिलता जुलता ही है सारा टॉपिक, ये आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो है आपको देखिए दो तीन तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक तो पूछा जाता है भारत का मैनचेस्टर, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा पूछा जाता है उत्तर भारत का, जो कि आपके कानपुर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, ये आपको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में कपास मिलों की सबसे अधिक संख्या की बात की जाए तो ये कहां पे आपके, ये अहमदाबाद में ऑप्शन है, इसमें बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप जो है नेट पे जाकर देखें तो आपकी ये मुंबई दिखाता है, उसके पीछे क्या रीजन है जो आपका क्वेश्चन पेपर ये सेट हुआ था उसमें, हो सकता है ये लघु कुटीर उद्योगों की बात की गई है, तो इसमें मुझे नहीं पता कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अगर आप नेट पे देखेंगे तो मुंबई आपका आता है, लेकिन जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है ये लघु कुटीर उद्योगों की ही बात की जाए, तो कपास मिलों की जो सबसे अधिक संख्या है वो आपके अहमदाबाद में है। और बाकी जो है भारत का जो मैनचेस्टर की जो मैं बात कर रहा था, तो ये भी आपका जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारण इसको कहा जाता है। तो ये अलग से एक टॉपिक है, मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। एग्जाम के बाद जब आप नेक्स्ट कमीशन की तैयारी करेंगे, किसी और एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं, उसमें हम इसको डायरेक्ट जो है चर्चा करेंगे। तो अभी जो इसके 26 का जिसने भी ऑप्शन जो है ए दिया था आपके, वो बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम 27 एनसीसी का गठन कब किया गया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, कई बार इसका गठन पूछा जाता है। तो कई बार हिमाचल की अगर आप बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये चीजें आपसे पूछी जाती है। इसका जो है नेशनल लेवल पे इसका मुख्यालय कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। तो 27 का जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका जो है गठन आपके कब किया गया था। तो ऑप्शन अगर आप देखें ए बी सी डी आपके पास दिए गए हैं, तो एक लिस्ट आप गेस कर लीजिए, आप तुक्का ही लगा लीजिए, एक लिस्ट लगाइएगा। तुक्का लगाने से ये होगा कि जब आपको राइट आंसर मैं बताऊंगा तो आपको पता होगा कि मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था। अगर आप जो है प्रयास ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे जो कैप्चर होगा माइंड में, तो ये चीजें आपकी ध्यान देने योग्य है। तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं होनी, कोई आपको जो है कोई देख नहीं रहा है कि आप गलत बोल रहे हैं। आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं कि इसका क्या होगा। तो 27 के जो राइट जो है अब जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका जो राइट आपके हिसाब से इसमें क्या होगा। तो 27 का जिसने भी बी किया है वो बिल्कुल सही है। तो ये आपका जो है 1948 में जो इसका गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके पास, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और सभी को ये आना चाहिए क्योंकि जो है मैंने जब आपको संसद का जो टॉपिक मैं आपको क्लियर करवा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो संसद के सदस्य है उनकी कितनी कितनी आपकी आयु होती है। तो उस समय मैंने आपको ये भी क्लियर करवा दिया था कि राष्ट्रपति के लिए कितनी होती है। तो ये आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। मैंने बता दिया था मुख्यमंत्री की कितनी होती है, प्रधानमंत्रियों की कितनी होती है, लोकसभा के जो आपके राज्यसभा के सदस्य है उनकी कितनी होगी, लोकसभा के कितनी होगी। उसी तरह जो विधानमंडल की जब हमने बात की थी तो विधान परिषद का भी बताया था मैंने, और विधानसभा का भी मैंने आपको बताया था। तो वो वीडियो भी अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन आपके ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो आपके भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और ये सभी के कमेंट आ रहे हैं तो ये बिल्कुल आपके जो है मैक्सिमम सभी के सही आ रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। जो नहीं कर रहे, जो सिर्फ देख रहे हैं, मुखदर्शक ना बने रहे, इसमें पार्टिसिपेट करें, अच्छा लगता है। बाकी जो है बाकी आपकी अपनी इच्छा है। आप जो है अगर आप नोट पेन और नोटबुक और पेन लेकर आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, साइलेंटली आप तैयारी करें तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए 28 का जिन्होंने सी किया है बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इनमें से हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी इनमें से एक रही है तो वो कौन सी रही है, ये आपने बताना है। और ये इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में देखा गया है, चाहे आप एचपी के एग्जाम की बात करें या एचपी के बाहर की एग्जाम की बात करें, ऑल इंडिया लेवल पे इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं जो कि आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो हर्षवर्धन की जो राजधानी इनमें से कौन सी थी बताइएगा, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि इसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अब मैं जल्दी से बता रहा हूं, समय आपका ज्यादा हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 का जिन्होंने डी गेस किया है, सोचा है या विचार कर रहे थे तो वो बिल्कुल आप सही हो। तो ऑप्शन इसमें जो डी है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह फैसला कौन करता है कि एक बिल मनी बिल है या फिर नहीं है, इसका जो है निर्णय आपका कौन लेता है। जब आपका जो है मनी बिल आपका जो है पेश किया जाता है तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ये पेश कहाँ किया जाता है। पहले ये प्रेजेंट किया जाएगा, कहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा, ये आपके लिए अलग से क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका फैसला आपका कौन लेगा कि एक मनी बिल है या फिर वो मनी बिल नहीं है, इसका निर्णय आपका कौन लेता है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि 30 का आपका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए जल्दी से मैं बता देता हूँ कि जिसने कहा है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी जिस जिसने कमेंट किया है, जिस जिसने सोचा है, तो आप बिल्कुल सही हो। आपका एक नंबर बिल्कुल आपका पक्का हो जाता है, ये कहीं भी नहीं जाने वाला। चलिए अगला देख लेते हैं। साथ साथ नर्मदा और ताप्ती किस दिशा में बहती है, तो बताइए नर्मदा और जो ताप्ती नदी है वो आपकी किस दिशा में बहती है। तो ये आपने बताना है, नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, मध्य से दक्षिण की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी है जो कि अन्य नदियों की तरह नहीं बल्कि वो आपकी जो है दूसरी दिशाओं की ओर चलती है। तो ये आप सभी को आई होप पता भी होगा, मैक्सिमम को पता होगा। अगर आपने मैप देखा है तो मैप में भी आपको जो ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो जी इसके जो है राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं जल्दी से, ऑप्शन जिस जिसने बी लगाया है वो बिल्कुल सही होगा। तो नर्मदा और ताप्ती नदी आपके जो है मध्य भारत से आपकी ये पश्चिम की ओर ये देखने को मिलती है, तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल आपका सही हो जाएगा।
अगला है आपके पास देशांतर रेखाओं की कुल संख्या। तो ये क्वेश्चन वही आ गया जो मैं आपसे कह रहा था, जिसने आपकी लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाली वीडियो देखी है उसका जो है लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से आपके एक क्वेश्चन देखने को बिल्कुल बनेगा। चाहे वो आपसे इंडिया का विस्तार पूछा जाए या फिर आपका एचपी का पूछा जाए, ये क्वेश्चन आपका जरूर देखने को मिलेगा। या आपसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाए कि देशांतर रेखाएं कौन सी होती है, आपकी जो है कितने से कितने डिग्री तक होती है, या फिर अक्षांश रेखा आपकी कितने से कितने डिग्री तक होती है, या फिर टोटल जो है देशांतर रेखा कितनी होती है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन आपसे देखा गया है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये आपने कमेंट करना है। इसके अलावा अक्षांश की कितनी होती है ये भी आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता है, नहीं तो अगर आपने वीडियो अभी भी नहीं देखी है तो मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार जाकर देख लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उस वीडियो को देखने के बाद आपने जो ये क्वेश्चन, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको जो है एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने वाले जैसे मर्जी घुमा पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। तो इसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का, जिसने कमेंट किया है ऑप्शन बी 360 डिग्री। तो एक जो गोल वस्तु है 360 डिग्री की होती है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलेंगे आपके क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। तो आपसे हो सकता है इस तरह से आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल की सबसे निचली परत, हो सकता है कि पृथ्वी के जो सबसे नजदीक कौन सी होती है, इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बात आपकी वही है, क्वेश्चन को सिर्फ आपको घुमाया फिराया जाता है, उसको जो है चेंज किया जाता है, उसका जो स्टाइल चेंज किया जाता है, पैटर्न उसका चेंज किया जाता है, बाकी आपके क्वेश्चन वही रहते हैं। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कितनी आपकी लेयर है, किस लेयर में आपकी कौन कौन सी घटनाएं होती है, जैसे कि आपकी जो बिजली किस लेयर में घटती है आपकी, इसके अलावा जो वायु आपके वायुयान है, आपके जो वायु यातायात है वो किस आपके जो है किस मंडल में चलते हैं, तो किस में चलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रेडियो तरंगे जो कहाँ से आपकी वापस पृथ्वी की ओर लौटती है, इस तरह की चीज़ें, ये सभी क्वेश्चन आपके जो है एक वीडियो बनाइए, उसमें सभी ये क्लियर हो जाएंगे आपके। आपको जाकर देखनी खुद है वीडियो, प्लेलिस्ट हर किसी टॉपिक की बनी है, देखनी आपको पड़ेगी, मैंने प्रोवाइड करवा दी है। बाकी जो है मैक्सिमम स्टूडेंट ने देख लिया, अगर आपने नहीं देखी तो अभी भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए 33 का जिस स्टूडेंट ने जो कमेंट किया है ऑप्शन सी, बिल्कुल आप सही हो। तो सौर मंडल जो है आपकी सबसे निचली परत होती है, जो कि आपके पृथ्वी के सबसे नजदीक भी होती है, तो ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके पास 34 है, आपके पास किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है। तो जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 34 पहले पढ़ लीजिए, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो मौलिक अधिकार जब मैंने आपको करवाया था उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि आपके जो है आर्टिकल आपके जो है जो सस्पेंड हुए थे उसमें बीच में, उसमें जो है आपको कहाँ से कहाँ वो लेकर गए और अब 8% वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आपके लाए गए, जो कि आपके कानून का अधिकार बना दिया गया था बाद में 30 301 के अंतर्गत, वो आपको वो अलग विषय है, वो मैंने आपको पहले डिटेल में बताया। इतना मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट आप कमेंट कीजिएगा कि 34 का आपका सही क्या होगा, और सही क्या होगा साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस सही होने के साथ साथ आपका जो है कब ये हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 जल्दी से कमेंट कीजिएगा ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 34 का अगर आप देखें राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं, जिन्होंने कमेंट करने थे वो कर ली है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो ऑप्शन बी देखेंगे तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर जो है कानून का अधिकार आपका बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34, क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा 44 अमेंडमेंट। ये कब हुआ था आपके ये आप साथ साथ कमेंट कीजिएगा, ये चीज आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। चलिए आगे देखेंगे जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 और थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो आप समझ लीजिएगा। पंचवेद किस ग्रंथ को कहा जाता है, ये ग्रंथ लिखना था और ये ग्रह लिखा गया है, ये कैसे हो गया मुझे नहीं पता, तो समय की थोड़ी सी शॉर्टेज थी और जल्दी में आपके लिए मॉक टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड करवाया गया है, कमेंट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 35 का कमेंट कीजिएगा ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। तो पंचवेद किस ग्रंथ को कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस एग्जाम में देखने को मिला था, जिन्होंने वो ढंग से पढ़ा है उसको जो है क्वेश्चन आपका ये गलत नहीं होना चाहिए। और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम की क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हर किसी स्ट्रीम वालों के फेसबुक पेज पे, एक फेसबुक पेज मेरा बना है लर्निंग पॉइंट विद शुभम, आपने सर्च करना है, आपको जो है उस पेज पे मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, हर किसी स्ट्रीम के हर किसी जो है सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन पेपर वहां पे मिल जाएंगे, आपको सर्च खुद करना है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं कि मेरे पेज पे जो है लाइक बढ़ जाए, उसके ऊपर फॉलोवर बढ़ जाए, अगर ऐसा होता तो मैं हर किसी वीडियो के नीचे उसका जो है आपको लिंक दे देता, जैसे आपके कई जो है लिखे होते हैं कि आप जो है
टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लीजिए, आप जो है इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, आपको पढ़ना है तो आप जाकर उसमें देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके मैक्सिमम वहाँ पे मैंने डाले हैं, ना केवल टेट के बल्कि अदर एग्जाम के भी आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, और बहुत सा मटीरियल वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल होता है। तो अगर आप चाहें तो लर्निंग पॉइंट विद शुभम को जाकर आप जो है उस पेज को जो है देख सकते हैं। बेशक फॉलो मत करना, जाकर अपना मतलब निकाल दीजिए, सेल्फिश बन लीजिए अपने पढ़ने के लिए, अब आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का देखेंगे, जिसने ऑप्शन आपका डी बताया है तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 36, और आसान प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि किसी को ये नहीं आता होगा। मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। साथ साथ ये भी बताइए जो आपके मौलिक जो कर्तव्य है वो आपके किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो, आपकी इच्छा है। अगर आपको नहीं पता है तो सर्च तो एटलीस्ट आप कर ले लेना जाके कि मौलिक कर्तव्य आपके अलग है और मौलिक आपके जो है अधिकार अलग है, फंडामेंटल राइट अलग है और फंडामेंटल ड्यूटीज अलग है। इसमें पूछा गया है फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट आपके जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं ये आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 36 का। जिस स्टूडेंट ने भी आपके जो है ऑप्शन सी आपका जो है कमेंट किया है, बिल्कुल आप सही है, तो आपका एक नंबर बिल्कुल आपका जो है डन है, तो आपका ये नहीं कटने वाला। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, मेरिनो जाति जो है ये प्रजाति है किस जानवर की है, तो ये आपने बताना है। ये क्या ये मछली की है, तो मछलियां भी आपकी बड़ी सुंदर यहाँ पे दिख रही है आपको। इसके अलावा बकरी की है, बकरी की जो हालत थोड़ी खराब है तो, लेकिन ये बकरी ही है, इसको जो है इसका पता नहीं इसकी शक्ल खराब कर दी है इन्होंने। इसके अलावा बिल्ली, बिल्ली ये चोर भी है, तो दूध वगैरह आपका जो चोरी करती रहती है बिल्लियां, तो ये आपकी किसकी प्रजाति है बताइएगा। भेड़ की, भेड़ तो आपकी बड़ी बचारी सी लग रही है, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मजाक मजाक की जगह आप थोड़ा सा मनोरंजन आपका होता रहे, आप बोर ना हो, इसके लिए थोड़ा सा जो है कोशिश की अपनी ओर से कि आपका जो है माहौल बना रहे। आप बताइए जल्दी सी, मेरिनो जो प्रजाति है वो आपकी किस जानकर की, मछली की है, बकरी की है, बिल्ली की है, भेड़ की है? और आपकी अगर मैं बात करूँ तो टेट के एग्जाम में सिर्फ टेट ही टेट के एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन 4 से 5 बार आपका रेगुलर रिपीट होता रहता है, तो आपको ये गलत नहीं करना है। अगर आपका ये इस बार किसी भी स्ट्रीम को आपका ये रिपीट होता है, चाहे वो GBT हो, TGT हो, या फिर आपके पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, कोई भी आपकी स्ट्रीम हो, अगर आपका ये रिपीट होता है क्वेश्चन, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। तो 37 का जिन्होंने भी ऑप्शन डी बोला है, तो ये भेड़ की एक प्रजाति है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन, इसमें डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपके पास आगरा का जो लाल किला किसने बनवाया था, तो जल्दी से कमेंट कीजिए, आगरा का जो लाल किला है किसने बनाया था? इंपॉर्टेंट है ये आपका, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। जितने भी आपकी ऐतिहासिक स्मारक है आपके भारत में, ये मुगल शासकों के समय में ही बने थे, और इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को भी बनते हैं। बाकी मुगल शासन काल मैंने अलग से करवाया, इसके अलावा मुगल शासकों के जो मकबरे हैं यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो बहादुर शाह जफर की बात की जाए तो इसका मकबरा कहाँ है, इसके अलावा बात की जाए शाहजहां की इसका मकबरा कहाँ है, इसके अलावा अकबर की बात की जाए, इसके अलावा बाबर की बात की जाए, तो जब तक आप कमेंट करेंगे तब तक आपको मैं इनके मकबरे ही बता देता हूँ। बाकी अलग से वीडियो 2-3 आपकी बनाइए अगर आप देखना चाहो, तो जितने भी आपके मुगल शासकों के मकबरे हैं, ट्रिक भी मैंने बताई है कि कैसे आप याद रखेंगे, और बाकी ये भी बताया कि कहाँ कहाँ है, अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, नहीं तो आपकी अपनी इच्छा है। बाकी देखेंगे इसकी, बहादुर शाह जफर की हम बात करते थे, उसका मकबरा आपके भारत से बाहर देखने को मिला, जो कि आपके कहाँ पे, तो रंगून में, क्योंकि आपके लास्ट में 1857 की क्रांति के समय जब इनको जो है कैद किया गया था, उसके बाद इनको बाहर भेज दिया गया था रंगून, तो उसके बाद जो इनका मकबरा भी आपका वहीं पे जो है बनाया गया था, वहीं इनको दफनाया गया था। शाहजहां की बात करें तो शाहजहां आपके जो ताजमहल की बात करते हैं, मुमताज का जो मकबरा है, उनके साथ ही जो इनका मकबरा भी ऐसा माना जाता है कि वहीं पे इनका मकबरा है। अकबर की बात करें तो अकबर का मकबरा आपके सिकंदरा में, क्योंकि अकबर किसी सिकंदर से कम थोड़ी नहीं था, कुछ इस तरह से आप जो ट्रिक याद रख सकते हैं। तो अकबर का जो मकबरा कहाँ पे, ये आपके सिकंदरा में। उसी तरह बाबर की बात की जाए तो बाबर आपके कहाँ से आया था, तो बाबर आपके जो है काबुल से आया था, यानी कि भारत के बाहर से आया था, तो भारत से बाहर आपका जो है बाबर का मकबरा भी आपके जो है भारत से बाहर है, ये क्वेश्चन भी आपका देखे गया है, तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। तो बाबर का मकबरा भारत से बाहर कहाँ पे, तो आपके काबुल में। 8% की बात करें तो आपका अफगानिस्तान आता है। तो चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपको जो है, जब मैं बताने लग जाता हूँ मैं कहीं से कहीं आपका चला जाता हूँ, तो तभी मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि जो फिर हम जो है भटक जाते हैं। मॉक टेस्ट आपके चले, तो क्वेश्चन नंबर 38 का जिसने भी कमेंट किया है ऑप्शन बी, जी हाँ बिल्कुल आपके सही है, ऑप्शन बी आपका इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, मनरेगा योजना भारत में किस वर्ष से आरंभ हुई? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा ए बी सी और डी। और साथ ही मैं बता दूं कुछ बुद्धिजीवी इसमें ऐसे भी है जो कि कंफ्यूज होते हैं, एक है आपके पास मनरेगा, एक है नरेगा,
तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, प्लीज इसको जो अलग से जाकर पढ़ लीजिए। नरेगा आपका कब से शुरू हुआ और मनरेगा आपके कब से शुरू हुआ, तो ये दोनों अलग अलग है, कॉन्सेप्ट भी अलग अलग है, इनकी डेट भी अलग अलग है, तो इनको अलग अलग ही रहने दे। तो अभी आप बता दीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपने चलना है। अब आपके पास जो ऑप्शन दिए उसके आपसे आप बता सकते हैं कि ये आपकी कब से शुरू हुई। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा मनरेगा योजना भारत में किस वर्ष शुरू हुई, तो ये कब हुई थी ये आपने बताना है। ऑप्शन आप देख लीजिए, और जो आपका जो नरेगा है उसके ऑप्शन आपके अलग हो गए, मनरेगा के ऑप्शन आपके अलग हो गए, तो ये आपने ध्यान रखना है। कभी भी दोनों के ऑप्शन एक साथ नहीं देखने को मिलेगा। जिन स्टूडेंट को समझ आनी है बात वो समझ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर देखिए हम 39 का, तो ऑप्शन अगर फर्स्ट देखे 2 फरवरी 2006, तो ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। जिसने भी ए कमेंट किया है आप बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। भारत की ओर से पंचशील सिद्धांत किसने हस्ताक्षर किए, तो पंचशील का जो सिद्धांत है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन दो देशों के मध्य हुआ था। तब तक आप कमेंट कर दीजिए, आप सुनते भी रहिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको मैं नॉलेजेबल चीजें आपको बता रहा हूँ कि भारत का जो है पंचशील एक सिद्धांत हुआ था भारत और चीन के मध्य, जिसमें कि दोनों देशों के जो आपके जो प्रमुख थे उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अब ये पंचशील का सिद्धांत आपके जो कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। जहां तक मुझे याद आ रहा है तो ये शायद 24 अप्रैल 1954 के आसपास ये हुआ था। एक बार इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये होमवर्क का क्वेश्चन आप इसको बना सकते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जो श्योर है कमेंट कर सकते हैं कि आपका ये कब हुआ था। इसके अलावा जो इसमें क्या पूछा गया है कि भारत की ओर से आपके जो किसने हस्ताक्षर किए थे, तो ये आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन जिसने सी दिया है 40 का, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, रुपए का चिन्ह की जो रचना है वो किसने की थी, या किसने ये प्रस्तुत किया था रुपए का जो चिन्ह है आपका, जो आपके आर लिखा होता है, आर नहीं यानी कि र जो आपका लिखा होता है उसके ऊपर आपके बीच में फिर से एक डंडा दिया जाता है, रुपए का जो चिन्ह है सभी ने देखा होगा, नोट के ऊपर देख सकते हैं, सिक्के के ऊपर आपने देखा होगा, आरबीआई का जो चिन्ह है उसमें भी आपने देखा होगा। तो ये जो किसने दिया था ये आपने बताना। ऑप्शन आपके पास दिए गए ए बी सी या फिर डी, अमर्त्य सेन, उदय कुमार, इसके अलावा जो आपके मोहम्मद इकबाल, इसके अलावा महात्मा गांधी, तो इनमें से किसने ये दिया था आप जो कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट है वो आप बता दीजिए जल्दी से, 41 का जो राइट इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि इसमें राइट आपका क्या है। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिएगा। तो जिसने भी आपके जो है कमेंट किया है आपके ऑप्शन बी, वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन से आपको एक चीज आपको समझ आनी चाहिए कि जितने आपके एक तो आपके राष्ट्रीय प्रतीक, इसके अलावा किसी भी जो है जैसे आपके आरबीआई का चिन्ह हो गया, इसके अलावा रुपए का चिन्ह हो गया, इस तरह के जितने भी आपके चिन्ह है, अशोक स्तंभ हो गया आपका, इस तरह के जितने भी है आपके चिन्ह भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक जो कि आपके मुख्य है, वो आपको पता होना चाहिए कि उसका लोगो क्या है, उसका चिन्ह क्या है, किसने दिया, कब अपनाया गया। यहाँ से तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जीके के तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट आपसे डेट तक आपकी एग्जाम में पूछी जाती है अगर ज्यादा क्वेश्चन आपका जो है कॉम्प्लिकेट अगर बनाना हो, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 42, ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित पहला भारतीय कौन था, तो चलिए बता दीजिए जल्दी से कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय इनमें से कौन थे। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास दादाभाई नौरोजी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये जो मैंने ऑप्शन रखे हैं ये सोच समझ के रखे हैं, इंपॉर्टेंट लोगों के नाम है, पूरे जितने भी मॉक टेस्ट आपका अभी तक हुआ है और अभी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं सभी के जितने भी ऑप्शन है मैंने ये सोच समझ के किए हैं कि अगर आप इनको विद ऑप्शन सॉल्व करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में बिल्कुल आपके क्वेश्चन उन्हीं से बनने वाले हैं। इसकी मैं बात करूँ तो अगर आपकी जो ब्रिटिश संसद में पहला निर्वाचित व्यक्ति कौन था ये आपने कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 42 का आपका क्या होगा। साथ साथ में आपको फैक्ट इनके बता रहे हैं, दादाभाई नौरोजी की हम बात करें तो ग्रैंड ऑर्डमैन के नाम से भी इनको जाना था, ये आपने याद रखना। इसके अलावा स्वराज की जो मांग पहली बार जो है इन्होंने ही उठाई थी, इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो ये आपके थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, तो ये चीज आपने यहाँ याद रखनी। लाला लाजपत की बात की जाए तो इनको जो लाठी चार्ज इनके ऊपर हुआ था जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, इनके जो है साइमन कमीशन की ये बात है 1927-28 में, हालांकि इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा बात करेंगे हम इनकी जो मृत्यु होगी तो उसके समय इन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी थी, मेरे ऊपर जो पड़ी लाठी है उनकी जो है
ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी, कुछ इस तरह से एक स्टेटमेंट थी। डायरेक्ट मुझे नहीं आ रही अभी तो याद, बाकी मैंने आपको बता दिया किस तरह की स्टेटमेंट। अगर आपसे पूछा जाए स्टेटमेंट किसने दी थी, तो ये आपकी जो लाला लाजपत राय के समय की ये बातें, तो अगर आप याद रखना चाहो तो रख लीजिए। बाकी 42 के राइट आंसर की हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपके पास जो 42 का ए है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी आपके पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए हैं। आई होप आपको ये जो है मॉक टेस्ट ना केवल आपको हेल्पफुल लग रहा होगा, बल्कि इस मॉक टेस्ट के थ्रू आपको जो काफी चीजें क्लियर होगी और नया फैक्ट आपको जो जानने को भी मिले, तो आप कमेंट कर सकते हैं कैसा आपको ये मॉक टेस्ट लग रहा है। साथ ही जो है अगर आप इसको शेयर करते हैं तो ऐसे मॉक टेस्ट 3 से 4 आपके लिए मैं बनाने की कोशिश करूंगा आपके एग्जाम से पहले पहले। प्लीज जो है शेयर कीजिएगा, अगर आपका जो सपोर्ट रहा, अगर आपका जो है इतना साथ रहा, तो मैं बिल्कुल आपके लिए फिर से कोशिश करूंगा। एक जो है बहुमूल्य जो है आपके लिए जो है टाइम आपका जो है मैं चाहता हूं, अगर आप दे सकते हैं तो मैं जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। बस आप जो अपना सहयोग दिखाइएगा। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 43, सुंदरवन के जंगल को कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया सुंदरवन के वन को क्या कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए, क्वेश्चन क्या है आपके लिए, क्वेश्चन है आपके लिए कि जो सुंदरवन के वन है आपके कहाँ पाए जाते हैं, ये आपने बताना है कहाँ पे ये पाए जाते हैं और इन वनों को आपके जो किस और नाम से भी जाना जाता है। तो जल्दी से इसके कमेंट कीजिएगा पहले तो, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, इसमें से आपका क्या होगा सही, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 का इसमें सही क्या होगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि ए बी सी या फिर डी। तो जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो मेरे जितने भी टॉपिक है, जितनी भी मेरी वीडियोज है, जितने भी मेरे टाइटल होते हैं, जितने भी थंबनेल है, उसमें आपको कोई भी बढ़ा चढ़ा के नहीं देखने को मिलेगा। मैं ऐसा कोई भी दावा नहीं करता कि इस सीरीज से आपके इतने क्वेश्चन आएंगे, पहले ही लिख लिया कि इसमें से आपके 50 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 10 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, क्विक रिवीजन, ये रिवीजन, वो रिवीजन, इस तरह के जो है मैं आपको भड़का नहीं रहा हूं और ना ही मेरा पर्पज है। ईमानदारी से आपके लिए कंटेंट लेके आ रहा हूं और ईमानदारी से ही आपके साथ शेयर कर रहा हूं बिना किसी फालतू पब्लिसिटी के। आई होप आप समझ पा रहे हो जो रियलिटी है, रियलिटी के साथ चलेगा तो ज्यादा है, लोगों की बातों में नहीं आना है कि 10 दिन में आप जो है करेक्ट कर दीजिए, 5 दिन में आप जो है टेट क्रैक कर दीजिए। 10 दिन के सिर्फ आपको टिप्स दिए जा सकते हैं, क्रैक आपका कोई एग्जाम 10 दिन में क्रैक नहीं होता। उस तरह की जो है बातों में आप नहीं आना, वो सिर्फ आपकी जो है व्यूज के लिए आपके जो है आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो आपको मोटिवेशन देते हैं, वो मोटिवेशन आपका जो थोड़े समय के लिए होता है और हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए इतने ज़्यादा मोटिवेट, इतनी ज़्यादा एनर्जी फील करें कि नहीं यार ये तो बिल्कुल आपका सही कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपका जो शॉर्ट टर्म आपकी जो एनर्जी लेवल आपका अप हो जाता है, ऐसा नहीं करना है। वास्तविक तौर पर आप जो है पढ़ लीजिए, वास्तविक तौर पर जो आप नॉलेज गेन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस खुद अपने आप आराम आराम से जो है मोटिवेशन खुद आपका बनेगा, खुद से बनेगा, खुद से करके देखिएगा। चलिए इसके जो राइट आंसर की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, मैं भटक जाता हूं बीच-बीच में, मुझे याद नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 43 का जो ऑप्शन बी देखेंगे तो बिल्कुल मैग्रोव वन आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला आपके पास 1556 में किस मुगल बादशाह ने पानीपत का युद्ध लड़ा था। तो सबसे पहली बात, इसमें 2 चीजें आपकी फैक्ट आपको पता लग गया। एक तो पहला आपका जो है पानीपत का जो युद्ध हुआ आपका कब हुआ था, ये हुआ था 1526 में। अब ये पहली बात है, लेकिन आपको अभी तक दूसरी बात नहीं पता है। दूसरी बात ये कि आपका ये पहला युद्ध था या दूसरा युद्ध था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को तो ये पता होगा कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, ये आपको पता होगा। लेकिन मैं बता दूं 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और ये किस किस के बीच लड़ा गया था, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ये सभी चीजें आपको जो है आपको आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, घुमा फिरा के बनेंगे, बार बार कह रहा हूं। ऑप्शन अगर आप देखें, हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब, इन सभी से क्वेश्चन आपके बनने को मिलेंगे। जैसे कि बात की जाए तो हुमायूं का मकबरा ही आपसे पूछा जाए कि कहाँ है, तो बता दीजिए कि कहाँ है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है आपके, तो ये आपके दिल्ली में है, तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। अकबर बाबर की हमने पहले बात की, औरंगजेब क्या पूछा जाता है कई बार, तो ये सिकंदरा जो आपका है, औरंगाबाद है, औरंगाबाद में आपका जो है ये आपका किसका मकबरा है, तो ये आपकी औरंगजेब का, इसकी बीबी का मकबरा भी इसके आसपास ही है, तो ये आपने याद रखना है। सिकंदरा की अगर मैं इससे मुंह से निकल गया तो ये आपका अकबर का जो है ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी बता दीजिए 1526 में किस मुगल बादशाह ने पानीपत का युद्ध लड़ा था, तो ये आप जल्दी से बता दीजिए। तो किसने लड़ा था, 44 का ऑप्शन अगर आप सी देखे, जिसने भी कमेंट किया है तो बिल्कुल आपने सही कमेंट किया है, आपको जो है पूरा 1 नंबर दिया जाता है। मैं ज्यादा भी दे सकता था लेकिन अभी मेरे पास 1 ही नंबर है, तो आप जो है 1 ही से संतुष्ट हो जाइए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके पास, महात्मा गांधी गहरे रूप से किसके लेखन से प्रभावित थे। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई है और ये मुझे जहां तक याद है एलाइड के क्वेश्चन पेपर में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन ए बी सी या फिर डी,
क्वेश्चन नंबर 45 आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में टोटल हम 50 क्वेश्चन आपके कवर करने वाले हैं। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये सीरीज आपकी रहने वाली है। एग्जाम से पहले देख रहे हो, अगर बाद में भी देख रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब कभी भी एग्जाम आया आप इसको उठाकर देख लेना। ऐसे ही 3-4 आपके लिए और मैं सोच रहा हूँ कि मॉक टेस्ट आपके प्रोवाइड किए जाए। बस आप जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अच्छा रिस्पॉन्स इस पर मुझे मिल पाए, ताकि जो मेरी मेहनत का जो फल मिल पाए। अगर आपको मैं बताऊँ, इस समय जो है रात के 10:30 के करीब आपके होने वाले हैं जब मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इतनी मेहनत मेरी भी है, तो मैंने पूरा जोर लगा दिया है आपके एग्जाम क्रैक करने में। अगर आपका अभी भी नहीं होता, अगर आपने जो अभी भी डेडिकेशन आपका नहीं है, तो कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई है। फिर से दिसंबर के लिए हम इसमें जुड़ने वाले हैं। दिसंबर के लिए फिर से आप एक बार इकट्ठे हो जाइए, फिर से जो है स्टार्ट कर देंगे प्रिपरेशन आपकी। तो अभी बता दीजिए, महात्मा गांधी के जो गहरे रूप से किसके लेखन से प्रभावित थे, तो ये किसके लेखन से, डायरेक्ट ऑप्शन डी देखेंगे। अगर आप लियो टॉल्स्टॉय, तो ये आपका बिल्कुल आपका इसमें जो है इंपॉर्टेंट आपका है, और ये बिल्कुल आपका सही भी है। तो लियो टॉल्स्टॉय को जो महात्मा गांधी का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है, तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा महात्मा गांधी ने लियो टॉल्स्टॉय फॉर्म की जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी, ये जल्दी से आप जो है सर्च कर लेना और आपने अपना नोट डाउन भी कर लेना। तो आगे चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। आपके पास कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे समीपस्थ है, जो आपको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी उसमें मैंने आपको बताया क्या था, उसमें मैंने आपको जो है उसमें शेयर किया है कि जो आपके सूर्य के जो है आकार के अनुसार आपके जो ग्रह है, जो आपके किस तरह से आपकी आकार के अनुसार है, किस तरह से आपके सबसे बड़ा छोटा, इस तरह से जो आपके उसमें देखने को मिल जाएगा। वो मैंने आपको पीडीएफ दी है, जो मैंने सेकंड वाली पीडीएफ आपको दी थी, जो आपकी एक बुक से मैंने आपके लिए बनाई है, उसमें ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और जिसने वो ढंग से पढ़ी है, ये क्वेश्चन उसका बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, आकार के अनुसार, उसके वेट के अनुसार, इसके अलावा सूर्य की स्थिति के अनुसार, इसके अलावा जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है, पृथ्वी से सबसे दूर कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन, आंतरिक ग्रह कौन कौन से आपके, बाहरी ग्रह कौन कौन से आपके, इस तरह के जो आपको ये पता होने चाहिए। तो इसके 46 के जल्दी से आप कमेंट कीजिए, 46 का आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी या फिर सी या फिर डी। तो जल्दी से कर लीजिए, 4 से 5 क्वेश्चन आपके बच गए हैं, सिर्फ आपके 4 से 5 क्वेश्चन बचे हैं। तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और आई होप आपका जो है मोटिवेशन इससे ज्यादा ही बनेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो 46 का जिसने भी ऑप्शन सी आपका जो है कमेंट किया है, तो बिल्कुल आप सही है, तो आपका जो है बिल्कुल इसमें एक नंबर आपको जो है दिया जाता है, तो आप इसको रख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 46 का सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारतीय सीमा से किस देश की सर्वाधिक लंबाई तक सीमा है, यानी कि भारतीय जो सीमा है, भारत की जो सीमा है, किस देश के साथ जो सर्वाधिक लंबाई तक लगती है या सबसे अधिक लगती है, ये आपने बताना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा, और आई होप सभी को ये पता भी होगा, ये बिल्कुल आसान आपका क्वेश्चन है, और ये इतना आसान है कि आपका हर कोई कर लेगा। ये थोड़ा सा लॉजिक है, अगर आप ऐसे भी देखें तो भूटान कितना छोटा देश है, तो क्या आप लगा सकते हैं कि भूटान के साथ सर्वाधिक लंबाई तक जो है भारत की सीमा लगेगी। अगर आपने मैप देखा है तब आपको ये चीज़ें पता लगेगी। तो आप एक बार जो है मैप आप परचेज कर लेना, इंडिया का अलग से लेना, एचपी का अलग से लेना, वर्ल्ड का अलग से लेना, तो तीन ये आपने मैप लेना है। और आपको जो है जरूरी नहीं है कि पूरा आपने एटलस उठा के आप चल पड़े, ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना है, पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपके पास जो है साधन पूरे ही हो, आप जो है सीमित साधनों से भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपका ये डिपेंड करता है कि आपका डेडिकेशन कितना अच्छा है, उस पर ये निर्भर करेगा। तो ये मैप आप ले लेना, उससे उसके हिसाब से आप जो इसमें लगा सकते हैं। अब देखिए बांग्लादेश की बात करें, तो बांग्लादेश का आपका जो है कितना एरिया होगा, भूटान का कितना होगा, चीन का कितना होगा, पाकिस्तान का कितना होगा, तो आप इससे थोड़ा आइडिया ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है, तो आपको पता ही है कि बांग्लादेश जो चारों तरफ से जो इंडिया से आपका घिरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो सर्वाधिक लंबाई तक जो सीमा लगती है वो आपकी भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है। कितने हजार किलोमीटर लगती है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, नहीं तो यह होमवर्क का क्वेश्चन है, आप एटलीस्ट अपने आप जो है खुद तो पढ़ लेना अगर आप कमेंट नहीं कर चाहो। तो अगले प्रश्न क्यों चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे हम। तो आपके पास क्वेश्चन है, वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं किस प्रकार के होते हैं, तो यानी कि जो आपकी गाड़ी है, गाड़ी में जो आपके साइड में जो आपके शीशे लगे होते हैं वो किस प्रकार के जो होते हैं, आपके किस प्रकार के होते हैं, कौन से आपके दर्पण होते हैं, क्या वो उत्तल दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं, समतल दर्पण होते हैं, ये आपने बताना है। या फिर आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका पूछा जाएगा कि ड्राइवर के पास लगे पीछे के दृश्य देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है वो किस प्रकार का दर्पण होता है। तो ये क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है आपको, मैं हर तरह से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं, साइड मिरर मैंने तभी लिखा है ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो कि पीछे के दृश्य देखने के लिए ड्राइवर के पास लगे मिरर किस प्रकार के होते हैं, इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनेगा। तो साइड मिरर मैंने तब लिखा ताकि आपको समझ आए, जो साइड में जो मिरर होते हैं उन्हीं की बात की जाए जब भी आपसे
आपसे पूछा जाएगा कि पीछे के दृश्य को देखने के लिए, तो वो हमेशा आपके साइड मिरर ही होंगे। तो अब इसमें बता दीजिए कि 48 का जो ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, साइंस से ही आपका ये क्वेश्चन है, तो मुझे लगा था साइंस का मैंने इसमें एक भी नहीं इंक्लूड किया है, तो चलिए एक क्वेश्चन आपका इंक्लूड किया है। तो ऑप्शन आप बता दीजिए जल्दी से, इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जल्दी से कमेंट कीजिए, और जिसने कमेंट किया है क्वेश्चन डी, ऑप्शन डी, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी वाले को एक नंबर में पूरा पूरा आपको जो है दे रहा हूं, तो आप इसको संभाल के रखिएगा, ये आपकी अपनी मेहनत है। तो क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलेंगे, और समय भी आपका काफी हो गया है। तो प्रश्न आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की बर्फ से ढकी जो है किस चोटी को, किस चोटी की बनावट स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न जैसी है। तो हिमाचल प्रदेश में एक चोटी ऐसी है जिसकी जो बनावट आपकी स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न चोटी की तरह ही दिखाई देती है, तो ये आपकी कौन सी ऐसी चोटी है, ये आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। हो सकता है आपने ये क्वेश्चन ना सुना हो, मैक्सिमम आपने ये नहीं सुना होगा मैक्सिमम स्टूडेंट ने, लेकिन ये ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार ये देखने को मिला था, और इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास किस ग्लेशियर पे सबसे पहले किसने चढ़ाई की, इस तरह के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। जब हम थोड़े से आपके जो कमीशन की तैयारी जब हम करेंगे, इसमें हम जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देखने वाले हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में हम ये सारी चीजें आपकी कवर करके चलेंगे कि कहाँ पे कौन सा ग्लेशियर है, किसने कब जो किस ग्लेशियर पे कोई गया, और कौन सी जो लेडी है, इस तरह के क्वेश्चन आपके जो लेडी के नाम से ग्लेशियर जाना जाता है, बाकी जो लाहौल का प्रवेश द्वार, इस तरह के क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपके अधिकतर देखने को मिलते हैं। बाकी अगर आप चाहो तो मैं अभी आपको जो एग्जाम से पहले HPGK की इस तरह के क्वेश्चन के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना के एक जो है मॉक टेस्ट आपको जो प्रोवाइड करवा सकता हूं। अगर आप कमेंट करेंगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि देखते हैं इस वीडियो को आप कितना प्यार देते हैं, कितना आप जो शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं। हालांकि मैं लाइक की जो है कभी मैं बात नहीं करता, मुझे लगता है कि जिस स्टूडेंट को अच्छा लगना है वो लग जाएगा। सब्सक्राइबर की मैं बात नहीं करता, जिस स्टूडेंट को अच्छा लग जाएगा वो सब्सक्राइब खुद कर देगा, जिस स्टूडेंट को शेयर करना है वो खुद कर देगा। हाँ, मैं शेयर कहता रहता हूँ, उसके पीछे क्या रीजन है, रीजन होता है कि जो इतना समय अगर मैं दे रहा हूँ, तो अगर आप देखें तो एक घंटे से ऊपर ये वीडियो आपकी जो भी मॉक टेस्ट आपका बनने लग गया, इससे पहले 2-3 घंटे मैंने इसको टाइप किया है। इसके अलावा जब इसको एडिट करूंगा तो मेरे टोटल इसमें 4-5 घंटे लग जाएंगे इस मॉक टेस्ट को आपको प्रोवाइड करवाने तक, तो इतनी मेहनत मेरी है, तो एटलीस्ट आप जो है शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। बाकी जो है देखेंगे इसका राइट क्या होगा, तो आपके 49 का जिसने ऑप्शन ए लगाया है या ए सोचा है, ए सोचने की कोशिश की है, हालांकि कमेंट डर के मारे नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, तो इसका बिल्कुल ए आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। चलिए जी, आज का अंतिम प्रश्न है और आपकी जान में जान आई है। तो अभी आप कुछ स्टूडेंट तो बीच से भाग ही गए, लेकिन जो लास्ट तक टिके हैं आपका डेडिकेशन, आपका मैं सलाम करता हूं, इसी डेडिकेशन के साथ आप बने रहे। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जल्दी से बता दीजिए, अप्रोक्सीमेट इसमें पूछा है, एग्जैक्ट आपसे नहीं पूछा है, सिर्फ आपसे दिन पूछे हैं, आपसे घंटे नहीं पूछे हैं। हालांकि होता तो ऐसा है कि कितने दिन कितने घंटे में जो आपका एक चक्कर पूरा करता है, कितने मिनट में करता है, इतना आप छोड़ दीजिए, अप्रोक्सीमेट आपको यह पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 का जल्दी से कमेंट कीजिए, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा की जो है कितनी आपके जो है कितना समय लगता है चंद्रमा से जो है पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में, सूर्य का जो है प्रकाश पहुंचने में, इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा, इसमें सही कमेंट कीजिएगा जल्दी से, आपका समय काफी हो गया है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, जिस स्टूडेंट ने आपके ऑप्शन बी पे क्लिक किया था बिल्कुल आप सही हो। और अब आपने क्या करना है, अब आपने खुद को इवेल्युएट करना है, खुद से झूठ मत बोलिएगा, खुद अपना देखिए कि मुझे कितने क्वेश्चन इसमें से आते थे। अगर आपने जो कॉपी पेन उठा के आपने किया है तो आप जो इवेल्युएशन खुद को कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने सीधा देखा ही है कि अभी समय नहीं है, बस देखना ही देखना है देखना है देखना है, उन स्टूडेंट का ये है कि जो है एक सक्सेस का जो शॉर्टकट नहीं होता, आपको समय देना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, आपको खुद से समय निकालना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि जो है हमें मिलान करने में मुश्किल हो रही है, ऐसे में मैंने जो है कोशिश की कि आपको साथ साथ में आंसर बता के चलूं, और आई होप जो है आपको ये प्रयास मेरा पसंद भी आया होगा। बाकी बता दीजिएगा कि आपको जो है मॉक टेस्ट आपको किस किस सब्जेक्ट के आपको और चाहिए 1-2 दिन के अंदर। और बल्कि मैं बात करूँ तो अभी जो ये आपकी जो ये वीडियो है, मैं आपको ये पोस्ट करने वाला था 9 बजे तक, लेकिन जो है मेरे पास अभी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अब ये कोशिश की जाएगी कि अगले सुबह ये आपको जो है मॉक टेस्ट आपका प्रोवाइड किया जाएगा। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, आई होप आपको मेरा प्रयास पसंद आया है। तो दिल से जो है प्लीज़ आप जो शेयर कीजिएगा, इस बार जो है मैं टारगेट रख रहा हूँ कि देखते हैं जरा इस वीडियो में कितने लाइक आते हैं, जो लास्ट तक अभी टिके, बाकी बीच में आधे तो भाग गए, उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, और उनके लाइक मुझे चाहिए भी नहीं। जो बिल्कुल जो है रियल स्टूडेंट है, जो बिल्कुल जो है सीरियस स्टूडेंट है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जो एग्जाम के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं।